हमारी पहली सालगिरह है ना, तो खाना खाने आए अंदर। खाना खाना था तो अंदर घुस के खाएगा क्या, बाहर बैठ के खा। अरे भैया अंदर बैठ के खा लेंगे तो क्या दिक्कत है। अब अपना होलिया देख रहा है तू, तुझे कपड़े पहनने की तमीज नहीं है और अंदर बैठ के खाएगा। तुझे पता है कितने कितने डिसेंट फैमिली के बंदे आते हैं यहाँ पे, अंदर बैठ जाएंगे तो क्या दिक्कत है। ए जी बाहर ही बैठ के खा लेंगे ना। चलो ठीक है भैया, आप मेन्यू बाहर ला दो हमारे पास। ला रहा हूँ, चल बाहर बैठ जा। ये लोग कैसे बात कर रहे थे हैं? कोई बात नहीं, पर इतने बड़े होटल में क्यों आए हैं आज हम? अरे सालगिरह है हमारी, तो क्या हम लोग ठेली पे खाना खाएंगे क्या? कोई बात नहीं, हम लोग रेस्टोरेंट में खा लेंगे, टेंशन मतलब पैसा लाए हैं। है ना पैसा? हाँ हाँ पैसा है, ये ले कर ले ऑर्डर। अरे भैया आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? अरे तू क्या कहीं का प्रधानमंत्री है क्या? तुझसे तो तमीज से बात करूंगा मैं, और थोड़ा सोच समझ के ऑर्डर करियो। पैसे वैसे है ना तेरे पास? भैया बिना पैसे के थोड़ी हम आ जाएंगे। तेरी शकल से लग नहीं रहा तेरे होली ऐसे कि तेरे पास पैसे वैसे होंगे। हमारी सालगिरह तो हम पहले ही पैसा जोड़ के लाए हैं, और हमारे पास खाने भर का पैसा है भैया। हम अभी ऑर्डर करते हैं, आप जाइए। चल ठीक है मैं देख। क्या खाओगी बताओ? दाल रोटी बंगाली जी। दाल रोटी तो यार भाग्यवान रोज ही बनाती हो, हम खाते हैं। आज आज कुछ वैसा बताओ ना, पनीर है और तुम्हारा छोले है, राजमा है, पालक पनीर है, कढ़ाई पनीर है, और देखो ये कौन सा चिल्ली पटेटो है, चौमिन है, बताओ क्या खाओगी? अरे नहीं नहीं नहीं, ये तो बहुत महंगा हो जाएगा। तो मटर पनीर और रोटी मंगा ले। पैसा है ना तुम्हारे पास? हाँ हाँ पैसा तो है ही, बिना पैसा के लाएंगे क्या? तुम्हें अपनी मेहरारू को यहाँ बेइज्जती करवाने लाएंगे? एक काम करते हैं, मटर पनीर और 6 रोटी मंगा लेते हैं। हाँ ठीक है ठीक है, पैसा हम लाए हैं यार, अब इतना थोड़ी है कि हम तुम्हें यहाँ लाके बेइज्जती करेंगे तुम्हारी। अभी हम मटर पनीर और रोटी के लिए बोल देते हैं। ठीक है। हाँ भैया। हाँ भैया एक काम कीजिए, एक मटर पनीर और 6 रोटी ले आइए। चल ठीक है अभी भिजवा रहा हूँ। ठीक ठीक। यहाँ बाहर के लोग ना चटपटा चटपटा थोड़ा कम खाते हैं, तो थोड़ा सा ना मैनेज कर लेना, क्योंकि यहाँ का बेस्वाद लोग ज्यादा खाते हैं, तुम्हारी जैसे चटपटी सब्जी थोड़ी बना देंगे ये लोग। लेकिन जो मजा तुम्हारे हाथ की दाल रोटी सब्जी में है ना, वो मजा यहाँ के खाने में है ही नहीं। लेकिन ये है कि हम सोचे थे तुम्हें लेके जाएंगे तो लेके आ गए। और कुछ बताओ, चौमिन वोमिन खाओगी तो बता दो। नहीं नहीं आता होगा, ताजा बना रहे होंगे ना। ला भैया हम पकड़ लेंगे। ठीक है। हाँ भैया लीजिए। खाना कितना अच्छा लग रहा है। हाँ देखो ऊपर से जो धनिया लगाए हैं उससे 4 चांद लग गया ना। और ये देखो चटनी भी है। इसका पैसा नहीं लेते ये लोग, पता है तुम्हें? ये क्या है? ये इसको सिरके वाली प्याज बोलते हैं, मालिक के वहाँ खाए थे हम एक बार। अच्छा। हाँ आज हम तुमको परोस के देते हैं, हर बार तुम देती हो ना रोज घर पे, आज हम खिलाते हैं। हम तुमको सोचे तो थे कि कहीं घुमाने ले जाएंगे, पर पैसा नहीं जोड़ पाए, हम बड़ा दुखी हैं इस चीज को लेकर। अरे आप काहे दुखी हो रहे हैं, हम आपके साथ बहुत सुखी हैं। खाना कैसा था? खाना तो बहुत बढ़िया था। मजा आया ना आपको? हाँ। बिल मंगा लेते हैं। हाँ ठीक है। बिल दे दे। ठीक है भैया देते हैं, आप चलो अंदर आ रहा हूँ। क्या हुआ जी, कितना बिल बना है? अरे कम ही बना है हम, पैसा तो हम ज्यादा लाए हैं। खाने में मजा आया ना आपको? खाना तो बहुत बढ़िया था। चलो ठीक है हम आते हैं, बिल देके बैठो है। ठीक। भगवान ऐसा पति सबको दे। भैया वो मैनेजर कहाँ है? भैया हाँ
भैया वो 360 रुपए का बिल। हाँ 360 रुपए का खाया तूने? नहीं भैया वो बात तो ठीक है भैया, वो हमें लगा था 300 में हो जाएगा, अब 60 रुपए कम पड़ रहे हैं, देख लो हम 2-3 दिन में कैसे भी करके दे देंगे। अब जब पैसे नहीं होते तुम्हारे पास तो फिर क्यों आते हो यहाँ पे? उधारी करूंगा क्या मैं 60 रुपए के पीछे तेरे? जब औकात नहीं होती तो क्यों आते हो ऐसे बड़े रेस्टोरेंटों में? वो भैया सालगिरह थी ना हमारी, इसलिए खाना खाने आ गए। तो तेरी सालगिरह थी तो यहाँ क्यों आया, ठेली पे खा लेता? औकात होती नहीं आ जाते यहाँ पे बड़े बड़े रेस्टोरेंटों में। देख लो भैया 2-3 दिन में दे जाएंगे हम। देखने दिखाने वाला सीन नहीं है भाई, देख तू पूरा बिल भरेगा, तूने खाया नहीं तो बिल नहीं भरेगा तो तेरी बीवी और तू दोनों बर्तन मांजोगे आके। सर क्या बात हो गई निखिल, क्या बात हो गई? अरे सर देखना इन्होंने खाया और बिल नहीं पे कर पा रही। अरे पागल तो बिल नहीं भर पा रहे तो तू इनसे ऐसे बात करेगा क्या? मैं वहां से खड़े होकर देख रहा हूँ तू कितना चिल्ला इन पे। सर क्या प्रॉब्लम है मेरे को बताइए। वो भैया हम ना 300 रुपए लाए थे, हमारी सालगिरह थी और बिल 360 रुपए का बन गया। अब भैया से हम कह रहे हैं 1-2 दिन में दे देंगे, हमारी बीवी बैठी हुई है तो कह रहे हैं अगर नहीं दे पाओगे तो बर्तन मारना पड़ेगा, हमारी बीवी के सामने भैया बेइज्जती हो जाएगी। अबे निखिल तेरे को पता नहीं है क्या बिल्कुल भी कैसे बात करते हैं कस्टमर से? और तू इनको इतना भला बुरा बोल रहा, तुझे पता है ना मैंने भी पहले रेस्टोरेंट में झाड़ू पोछा बर्तन ये सब करके जब मैं इसका बिल बनाऊं और तू गरीब आदमी की बेइज्जती कर रहा है। अबे इनकी सालगिरह थी, अगर यहाँ पे खाना खा ही लिया और 60 रुपए नहीं थे तो कोई बात नहीं जाने देता। सर आप टेंशन मत लो, 60 रुपए देने की जरूरत नहीं है और चाहे तो आप 300 भी रख लो। अरे नहीं भैया 300 का है हमारे मेहनत के पैसे हैं, आप फ्री में थोड़ी खिला रहे हो हमें, हम आपका पूरा पैसा दे देंगे, अभी 300 ले लो आप। ठीक है ठीक है। ओए निखिल तू जा आगे काम देख। ठीक है सर। भैया वो मेरे मैनेजर ने आपसे इतना उल्टा सीधा बोला उसके लिए सॉरी, बाकी उसे पता नहीं है ना कि हम गरीब आदमी कैसे कैसे करके गुजारा करते हैं। पहले मैं भी ऐसा ही था, लोगों के बर्तन मांजता था, रेस्टोरेंट में जाके सब्जियां काटता था, फिर जाके थोड़ी बहुत नॉलेज ली, फिर जाके कैफे खोला, उसके लिए मैं सॉरी मांगता हूँ आपसे। कोई बात नहीं भैया, गरीब आदमी दूसरे गरीब आदमी का दर्द समझ सकता है। ये हम ना भैया ये 300 रुपए ना भैया गिन के लाए थे, ये रख लो आप। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप रख लो अपने पास, कोई बात नहीं। भैया आप भी तो आखिर सब्जी खिला रहे हो, मसाला लगा रहे हो, लोगों को काम पे रख रखा है, तो पैसा रख लो भैया, हमें अच्छा नहीं लगेगा, बस 60 रुपए हम आपको दे जाएंगे। चलो ठीक है, पर हमारी तरफ से ना आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है, आप अपने वाइफ के साथ जाके बैठो। है ठीक है भैया। ठीक है मैं अभी आता हूँ आपके पास। ठीक है पैसा दे दिया? हाँ पैसा तो हम दे दिए, वो कह रहे थे 2 मिनट बैठो आप कुछ बात होगी। अरे सर आप बाहर क्यों बैठे, अंदर बैठिए ना आओ। अरे तो अंदर ही नहीं, अंदर आओ आप। ये मालिक हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, ये अंदर बुला रहे हैं आप। सर आप यहाँ बैठो। भैया बात ठीक तो थे? अरे नहीं नहीं यहाँ भी तो ठीक ही हो सर। अरे ये क्या है? ये सर ने आपके लिए सरप्राइज रखा था ना, वो है। इतना सुंदर? हाँ तो काटो। मैं काटू? हाँ।